भाई दो क्लिक में बिल निकल जाता है। ये देखो फ्राइड राइस क्लिक किया और सेव पे क्लिक किया, दो क्लिक में बिल निकल गया भाई। इतना इजी बिल निकालना हो चुका है और वो भी बिना किसी प्रिंटर के, बिना किसी लैपटॉप के। अपना लोगो बढ़िया सा बन के आएगा, एकदम बढ़िया क्वालिटी में। चाहे ऐसे मिटाने की कोशिश कर लो, मिटेगा भी नहीं, जैसे हाथ पे देख सकते हो। ये बाकी इधर पे आपकी हिस्ट्री बन के आ जाएगी, आपने कौन सा बिल कब निकाला था और डेट और टाइम लिख के आ जाएगा उस पर। इस पर हम जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी क्वांटिटी इसकी बढ़ती जाएगी। ये देखो जैसे कि मैंने इतनी बार 10 बार क्लिक कर दिया तो 10 क्वांटिटी हो चुकी है इसकी, ठीक है। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं छोटी सी बिलिंग मशीन सारी कैलकुलेशन अपने आप कर देगी। काफ़ी बड़ी बैटरी लगी हुई है इसके अंदर की। मैं इसका प्राइस भी बताने वाला हूँ, सारे फीचर बताने वाला हूँ और जेन्युइन रिव्यू दूंगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। दिख लो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया बिजनेस टिप्स लाता रहता हूँ। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ एक बिजनेस ग्रो करने का टिप, ठीक है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक मोबाइल प्रिंटर मशीन। बहुत सारी बिलिंग मशीन आप मार्केट से खरीद के लाते हो अपनी शॉप के लिए और वो भी आपको इतनी महंगी महंगी पड़ती है, लेकिन भाई मैं आज आपको दुनिया की सबसे छोटी बिलिंग मशीन दिखाने वाला हूँ, वो भी सबसे सस्ते। एक मैंने ये ईजो बिलिंग मशीन ऑर्डर करके मंगाई है। मैं इसका प्राइस भी बताऊँगा, इसके सारे फीचर्स भी बताऊँगा और कैसे काम करते हैं, कैसे इसे चार्ज करना है, किस साइज़ की होती है, सब कुछ बताने वाला हूँ वीडियो में। बस बने रहो, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर। बाकी मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये बॉक्स आ चुका है, ठीक है। ये ईजो का बॉक्स मैंने पहले ओपन कर लिया था अपने देखने के लिए। बाकी इसमें ये देखो मोबाइल प्रिंटर जैसे कि पूरी की पूरी मशीन है, इसके अंदर मशीन रहने वाली है। मतलब इतने छोटे से डब्बे के अंदर मशीन है एक, और इसके साथ आपको ये काफ़ी सारे रोल मिल जाएंगे जिस पर आप बिल प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लो भाई, तो इसे अभी साइड करते हैं। सो गाइस इस बॉक्स में हमारी मशीन है और इस मशीन को यूज़ करने के लिए हमें एक एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए। जैसे कि ये देख सकते हो आप, हमारे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है। इसका लॉक खोलते हैं और आप लोगों को इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये रहेगा। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ईजो बिलिंग मशीन ऐप, ठीक है। तो इसे मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हो ऐप को लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उससे पहले हम आपको मशीन ओपन करके दिखा देते हैं। ये देख लो भाई, आप लोगों को ये देखो भाई, ईजो की बिलिंग मशीन रहने वाली है छोटी सी। मैं इसका प्राइस भी बताने वाला हूँ, सारे फीचर बताने वाला हूँ और जेन्युइन रिव्यू दूंगा। जैसी मेरे को लगेगी उस हिसाब से रिव्यू दूंगा, ऐसा नहीं है कि कोई फेक रिव्यू दूंगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं इसमें यहाँ से चार्जिंग का ऑप्शन है, ये सी टाइप चार्जर भी साथ में मिलता है भाई। काफ़ी बड़ी बैटरी लगी हुई है इसके अंदर। जैसे इसमें हमें पावर बटन दिख रहा है तो इसे ऑन कर लेते हैं। ये देख लो भाई, ग्रीन लाइट जल गई है, इसका मतलब ऑन हो चुकी है। अपना ईजो बिलिंग ऐप है जिसे हमने लॉगिन कर चुके हैं, ठीक है। ये देख लो, इसमें कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जब आप लॉगिन कर लोगे। और ये देख लो, सेल पे आप क्लिक करोगे तो इधर पे आपका पूरा का पूरा मेन्यू आ जाएगा। जैसे एक कस्टमर आया, उसे बिरयानी ही चाहिए। इस पर हम जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी क्वान्टिटी इसकी बढ़ती जाएगी। ये देखो जैसे कि मैंने इतनी बार 10 बार क्लिक कर दिया तो 10 क्वान्टिटी हो चुकी है इसकी, ठीक है। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं। और बाकी अब मैं इधर से इसका बिल निकालूंगा। ये देखो भाई, बिल अपना निकल के आ चुका है, ठीक है। हमने इसे इजीली फाड़ दिया, कितना इजी है बिल निकालना। और ये देखो भाई, बिल की क्वालिटी देखो, प्रिंट की क्वालिटी देखो, मतलब कागज़ भी एकदम बढ़िया क्वालिटी का आपको अवेलेबल होने वाला है। मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, जैसे हमने बिरयानी क्वांटिटी 10, रेट 200 था एक प्लेट का और टोटल बिल अपना 2000। मतलब इसमें हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये छोटी सी बिलिंग मशीन सारी कैलकुलेशन अपने आप कर देगी, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस वीडियो में बने रहो। मैं इसका रेट भी आप लोगों को बताने वाला हूँ वीडियो के बीच में। जैसे कोई नया कस्टमर आया, ठीक है, तो नए कस्टमर को सब कुछ चाहिए, तो सब कुछ दे रहे हैं हम। जैसे मेन्यू जितना भी था सारा का सारा ऐड कर दिया हमने, ठीक है। ये देख लो, सारा का सारा ऐड कर दिया। इधर पर हम सेव पे क्लिक करके बिल निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे डिटेल पे, ठीक है। डिटेल के ऑप्शन पे गए तो इधर पे अगर हम उस कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहें तो पहले तो इधर पे सारा का सारा वो आ गया है रेट, ले कौन सी डिश का कौन सा रेट था, ठीक है। इधर पे अब हमें डिस्काउंट देना है तो इधर पे कैश डिस्काउंट करेंगे परसेंट में। कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहोगे आप? हम देना चाहेंगे 10% डिस्काउंट, तो 10% डिस्काउंट देके इधर पे हम सेव पे क्लिक कर देंगे। और ये देखो, ये देख लो भाई, भाई ये देख लो, पूरा का पूरा बिल निकल के आ चुका है इतना लंबा, ठीक है। सारे के सारे मेन्यू को आपको चेक करके दिखाता हूँ।
ठीक है, ये देख अपना लोगो बढ़िया सा बन के आएगा, एकदम बढ़िया क्वालिटी में। चाहे ऐसे मिटाने की कोशिश कर लो, मिटेगा भी नहीं, जैसे हाथ पे देख सकते हो। ठीक है, साईं दरबार रेस्टोरेंट पूरा का पूरा, और बिल नंबर भी लिख के आ जाएगा कितना है, सारा का सारा जो अपना मेन्यू था वो लिख के आ जाएगा। क्वान्टिटी सबकी वन थी, ये आपने रेट देख लिए मेन्यू का, और ये देख लो भाई टोटल बिल अपना कितने का हुआ है। टोटल बिल अपना 1590 का हुआ था, जो कि 159 डिस्काउंट मिला उसे 10%। तो ये देख लो अपना टोटल बिल 1431 का हो गया। तो इसका मतलब भाई इतनी बढ़िया मशीन है कि सारी कैलकुलेशन आपको करके दे रही है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लो भाई, थैंक यू विजिट अगेन। ठीक है, पावर्ड बाय ईजो। ईजो बिलिंग मशीन मुझे इतनी बढ़िया लगी ना कि भाई ये देख लो, इतनी छोटी सी है पहली बात तो, और इसमें फीचर्स भी इतने सारे हैं, और भाई आप कोई सा भी बिल चुटकियों में निकाल सकते हैं, चुटकियों में भाई दो क्लिक में बिल निकल जाता है। ये देखो, फ्राइड राइस क्लिक किया और सेव पे क्लिक किया, दो क्लिक में बिल निकल गया भाई। इतना इजी बिल निकालना हो चुका है, और वो भी बिना किसी प्रिंटर के, बिना किसी लैपटॉप के। जो अपनी ईजो बिलिंग मशीन है उसकी ऐप के थोड़े फीचर्स आप लोगों को बता देते, ठीक है, मैं आपको फीचर्स इसके थोड़े बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है, टुडे सेल कितनी है हमारी, इतने की सेल हुई है टुडे में, मंथली की कितनी सेल है वो भी लिख के आ जाएगा, और रिसीवेबल अमाउंट कितना है, पेएबल अमाउंट कितना है, लो स्टॉक कितना है, मनी इन बैंक सब कुछ बताने वाला है, मनी इन कैश, मतलब आपका जो गल्ला पानी है आपको हिसाब करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सारा का सारा ये ऐप ही बता देगा। ठीक है, और आज के हमारे कितने कस्टमर थे, 14 कस्टमर थे, लॉयल कस्टमर अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। ठीक है, न्यू कस्टमर जो हमसे पहली बार सामान खरीदा है वो भी लिख के आ जाएगा, 14 कस्टमर। ठीक है, ये बाकी इधर पे आपकी हिस्ट्री बन के आ जाएगी, आपने कौन सा बिल कब निकाला था, और डेट और टाइम लिख के आ जाएगा उस पर। मैं इधर पे आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये देख लो आप अपना लोगो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सबसे बढ़िया। डैशबोर्ड, रिपोर्ट, सेल लिस्ट, परचेज लिस्ट, मनी इन बैंक, मतलब सारे के सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसे अपन जाते हैं सेटिंग में, भाई सेटिंग में गए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोफाइल सेटिंग, बिलिंग सेटिंग, प्रिंट सेटिंग, लॉयल्टी डिस्काउंट सेटिंग, स्टाफ सेटिंग, अपलोड डाटा अपलोड, मतलब सारी की सारी आपको देखने को मिलने वाली है। और प्रिंट सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे जो आपका बिल प्रिंट होता है ना, जैसे इसमें थैंक यू विजिट अगेन लिखा है, आप ऐसा कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, थैंक यू विजिट अगेन आपके बिल में लिखा हुआ है वो इधर से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, कुछ और लिखना चाहो तो कुछ और भी लिख जाएगा। बिलिंग सेटिंग, प्रोफाइल सेटिंग में जाके अपना लोगो चेंज कर सकते हैं, मतलब ये ईजो बिलिंग मशीन ईजी टू यूज़ है, इसमें कोई भी ज़्यादा खर्चा नहीं। और हाँ, आप लोग सोचोगे कि इसमें अपना मेन्यू ऐड कैसे करें, कह सकते हो ये इन्वेंट्री आपको दिखा है, इन्वेंट्री पे गए, यहाँ पे आपको सारा का सारा आपका मेन्यू दिख जाएगा। अगर आपका ज़ीरो है मेन्यू तो इधर पे आपको न्यू आइटम पे क्लिक करना है, न्यू आइटम पे जाके, ठीक है, यहाँ पे उसकी फ़ोटो डालनी है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालना है, यहाँ पे सेल प्राइस डालना है, मतलब सारा का सारा सेटअप करके आपको सेव पे क्लिक कर देना है, तो आपका मेन्यू ऐड हो जाएगा। सो गाइस, जैसे कि आप लोग पूरी वीडियो में वेट कर रहे होंगे कि इस मशीन का प्राइस क्या रहने वाला है, और लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी काफ़ी लोग प्राइस पूछ रहे थे, तो इस ईजो बिलिंग मशीन का प्राइस रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 6999। ठीक है, आप लोग घर बैठे भी इसे मंगा सकते हैं, और आप लोगों को अगर इसे यूज़ करना अभी भी नहीं आया, आपको जो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिले ना उस पर आप कॉल करके ईजो कंपनी से पूरी पूरी डिटेल भी ले सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताना, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक ले जय।